कहीं आंसू तेरे में आज हम कहत रे दिलवा के बतिया जवन न बुझल तू आज हम कहत रे दिलवा के बतिया जवन न बुझल तू बलम जी लभी में आप लोगों ने कितने लोग देखा हाथ उठाइए तो ये जो बजा रहे हैं ना जब वो भैंस वाला गाना गाता हूँ मैं तो यही लोग हमारी पूरी टीम बजाई है उसमें ये लाइव भी बजाए हैं और आज स्टेज पर भी है ये पूरे बिहार के नहीं झारखंड यूपी बिहार के कैसे सजिंदा है राजन भाई हमारे हृदयानंद भैया खेसरिया के छोटका भाई भिखरिया ओकरा बाद देखो जेल से लौटने वाले बाबा दीपू बाबा पान खाने वाले भीम भाई दीपू बाबा पड़रिया पान खाने वाले तो ये जिंदगी है। देखिए मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की भावनाओं को। अभी जिद्दी भैया ने एक बात कही कि आपको भाई भैया इसलिए बोलता हूँ कि आप प्रतिष्ठा में बढ़े। मेरा कोई प्रतिष्ठा नहीं था और मेरा ना ही कोई प्रतिष्ठा है। आप जब तक खेसारी को मोहब्बत कर रहे हैं तब तक खेसरिया दुनिया का सबसे राजा आदमी है। जिस दिन से आप मोहब्बत करना बंद कर दीजिएगा मैं दुनिया का सबसे भिखारी आदमी। आई लव यू टू। अच्छा 4G का जमाना है 4G का जमाना है। काजल रघवानी के साथ मैंने जितनी सारी सिनेमा की है अभी एक सिनेमा मैंने संघर्ष किया था यही रांची में किया था। कि जब ले जागल बनी तब ले लागल कि राजा हमारे मिया में रहू जो पागल रही जब ले जागल बनी तब ले लागल। ये गाना लिखा हुआ ही मेरा था तो करीब कुछ कुछ लिख लेता हूँ कभी कभी कभी। तो आइए भाई लोग का आदेश है कि शेर सो गा लो और पूछा देखो एक गाना मैं जब काजल रघवानी बलमजी लफी में मुझे छोड़ के जाती है तो एक बड़ा बढ़िया गाना गाया हूँ मैं कि दिल ना लगई हाँ जब काजल रघवानी जा रही है तो मैं बोलता हूँ कि देखो जा तरु छोड़ के एक बार हक दा एक बार हक दा माने वो है क्या बोला जला हक बोला जला हक बोला जला तो वह हक दा ना एक बार हक हक और वह कहने लग लग हक कहा जला नहीं अंग्रेजी में हक दा ना ललटेन भाई ललटेन इतना बिजली जा रहा था ललटेन चाहिए तरह ललटेन खत्म बता रहे तुम हाँ इतना बिजली जा रहा था तो ललटेन चाहिए ललटेन पावर हाउस में काम करे लगा रही कितनी ना लगाई हाँ। चले भाई की तरफ से पुरस्कार भगवान से प्रार्थना की सबका घरे 9 महीना पर लड़का हो लड़का घरे 6 महीना पर मेहरारू तहार लोड रही तबे तो हमें पलांकी करबो हां तो हमें साल 3 महीना को मारत रह पलांकी और सब उठावत रह एक दिन के बाद हम बतावत नहीं भाई जो ठे कहता हो अपन भाई ढोला का बजावत तो खड़ा हो जा खड़ा हो जा हां हां तनी वीडियो बना ये करना है हृदय शर्मा खड़ा रह इकर नाम है हृदय शर्मा का भाई भाई बताओ तनी सरकार सरकार एगो अखबार में एक तिहार निकललस कि जेकरा जिसके पास 3 बच्चे होंगे जिसके पास 3 बच्चे होंगे उसको 60,000 रुपया मिलेगा। तई मौगी के लगे गई जवान कहता कि सुनलू है एगो अखबार पढ़नी है हाँ वैसे काली खनल तो जरा 3 गो लड़का बन सन ओकरा 60,000 रुपया मिलता तो इनकर मौगी कल सर तो काहे चिल्ला तारा तारा तो 2 गो न बन सौ
तई खतरे की बात पगली बियाहवा से पहले एगो और ही बा रे तई कर दो गो लइका एगो के नाम टेंशन हो जत पेंशन आय बा हां दोनों नि माने हवा सब बिकी भाई के नाम तई तो मौगी कलस की तो जाके ले आओ तो मौगी के हो जी धा देले अपने कहले वो लइकवा के लेवे त लइले त देखत रे की दू गो गायब बा सब टेंशन ना पेंशन तो कहले कि हो हई तू गो कहां गइल स तई कर मौगी कहत कि अखबारवा तू ही खाली पढ़े ला जे करला हस उ ले गई बहुत नि बना दी हो अरे कि दिल ना तो कई हां तेरा गम मोहब्बत पे हावी ना होता तो खुदा की कसम से सारी शराबी ना होता। अगर ऐतराज है इस जमाने को दो दीवानों के जीने से, अगर ऐतराज है इस जमाने को दो दीवानों के जीने से, तो ऐ खुदा हटा दे इस दिल का सिस्टम सीने से। Oh,
आपने मुझे गिफ्ट दिया जी, लेकिन मेरे पास बहुत आप सबका दिया हुआ है। आपकी आपकी ये वक्त बताएगी, आपको जगाएगी, आपको टाइम से जगाएगी, तो शायद आप अपनी मम्मी सब मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकते हैं। नहीं, बड़ी मेहनत से आपने खरीदा होगा। मैं आपको सम्मान देता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। लवी भाई, दिल से थैंक यू। लेके आप पहन लीजिए, ये मेरे तरफ से आपको, ये मेरे तरफ से आपको। आपके सम्मान करता हूँ कि आपने उस काबिल समझा, लेकिन आप लोगों ने खेसरिया को इतना दे दिया है कि अब तो हम कौन पहन रहे हैं, ना तो हम 2.5 किलो सोना पहनते हैं। अब पूछबा लोग खेसरिया दे देना सोना कहे पहनते हैं, वो करो रीजन बा। जब हमार शादी भइल ना तो हमार ससुर जी 44 भर के सिकड़ी दे। देखिए उस समय में भैंस चराता था तो उतने काबिल था, अब हो तो 1.5 किलो मांग लेती, अब हो तो खेसरिया फरारी मांग लेती। अब अगर होता, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो शायद मैं शादी नहीं करता, क्योंकि मुझे आप लोगों से ज्यादा प्यार है। मैंने अपनी गरीबी को देखा है नजदीक से, बड़ी नजदीक से अपनी गरीबी को देखा है। मैं 7 भाई हूँ, मेरे पापा अकेले कमाने वाले हैं, मेरे चाचा के 4 लड़के हैं और मैं 3 भाई। मेरी चाची बहुत पहले गुजर गई, मेरी माँ ने ही 4 बच्चों को पाला, इसलिए 7 भाई बोलता हूँ मैं। और हमने इतनी गरीबी देखी है कि पापा रात को गार्ड की नौकरी करते थे और दिन में चना बेचकर हम लोगों को हर चीज पालते थे और पोसते थे। तो मैंने उस गरीबी को देखा है। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इसी उम्र में मैं 2011 में हीरो बना था। 2011 में मैं आज 19 से शायद 10 साल हो गया ना, 10 साल हो गया। मैंने इस बीच में मैं अगर 1 करोड़ रुपया अगर कमाता हूँ तो कम से कम उसमें से 40 लाख रुपये मैं गरीबों के अंदर दान करता हूँ तो मुझे सकून मिलती है, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। आप लोगों के, जबकि वो मेरा पैसा नहीं, वो मेरा कुछ नहीं है। आप लोग चंदा देते हैं खेसरिया का एक गाना अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, खेसरिया के चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे 10 पैसे मिलते हैं उससे। तो 10 पैसे मिलते हैं तो सोची 10 पैसे से मैं उन गरीबों को, मेरे 62 बच्चों को गोद लिया है, अपना बेटे की तरह पालता हूँ, पढ़ाता हूँ और उनका ख्याल रखता हूँ। मैं आप सबसे भी बोलता हूँ कि आपके जीवन आपके परिवार के लिए नहीं मिली है। मैं इसलिए करता हूँ कि सारी दीवानगी जो आप सबकी है, अगर एक भी आदमी खेसारी के असूलों पे चल गया तो शायद मेरा उन गरीबों के लिए करना सार्थक हो जाएगा। तो मैं करूँगा तो शायद आजकल के जनरेशन इस चीज को जरूर करेगी। अपने माँ बाप को कभी नहीं बोलना। मैंने जो पुलिन नंबर 1 सिनेमा बनाई है, अगर एक भी बच्चा अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम नहीं भेजा तो शायद वो सिनेमा बनाना मेरा सार्थक हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ वो काम करूँ
अपने बीबी को अगर आप 50,000 का कुछ खरीद दीजिएगा ना सर, तो कभी थैंक यू नहीं बोलेगी आपको। लेकिन किसी गरीब को अगर जरूरत पे अगर 50 रुपये दे दीजिएगा ना, तो लगेगा कि उसके जीवन के सब कुछ मिल गया आपको। तो करके देखिएगा, बड़ा मजा आता है। मेरे छपरा में 45 घर जल गए थे। मैंने उनको कुछ नहीं दिया, घर बनाने का थोड़ा सा मदद किया। YouTube पे जाइए, लोगों ने दुआओं से भर दिया। खेसारी तो भगवान है, लेकिन भगवान नहीं खेसारी, आप सबका प्यार है और उसी में रहना चाहता हूँ। भगवान तो आप सब है मेरे लिए। खेसरिया एक बार गाता है कि मेरी एटीएम तो आप सब विदाउट नंबर दबे 500 खींचा जाता है। ना नंबर दबनी, ना कोड दबानी, ना कोनो कंपनी में गनी, ना बैंक में गनी, जहां चूसा दगाओ ने किए को 500 आ रहा। तो मेरी एटीएम आप सब हैं, मेरे लिए आप सब सिर्फ एक जनता और पब्लिक नहीं, मेरे लिए मंदिर भी आप हैं, मस्जिद भी आप हैं, गुरुद्वारा भी है। वो भगवान की हर वो चौकट है जिस पे खेसारी अपना सर रख के और अपने जीवन को यहां पे पहुंचा दिया। अरे कि मरी जाई भी ससुरा तहरा जाए के पहिले अफल होई हाथ का छपाए के पहिले।